क्या देखेंगे कि जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस माली से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कोपल का अर्थ होता है कोमल पत्तियां, जो पहले स्टार्टिंग में जो निकलती है, शुरुआत से जो निकलती है, वो कोमल पत्तियों का यहाँ पे जो है तो वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। अरुणाई का अर्थ है लालिमा होना, लाल सौंदर्य जो है तो इसका वर्णन जो है तो इसमें किया गया है। और लक्ष्मण बोले तो लक्ष्मण जो रामायण में सीता मैया और सीता मैया का जो देवर है और राम का भाई कहलाया है। और नोचे का अर्थ है नोचना, यानी कि उखाड़ कर फेंक देना। तो यहां पर जो है तो इन पंक्तियों द्वारा हमें और मोल का अर्थ होता है भाव लगाना, और सौगंध बोले तो कसम लेना, या फिर जो कि हम कई बार जो है तो मराठी में उसको कसम जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, शपथ, है ना। तो इन पंक्तियों में जो है तो फूल क्या कहना चाहता है, फूल कहना चाहता है कि जिस डाली से डाली ने मुझे जो है तो गोद लिया है, मुझे खिलाया है, मुझे उसने जो है तो अपने ऊपर जो स्थित किया है, और जिस तरह से वह कोमल पंक्तियों ने मुझे लालिमा दी है, मुझे सौंदर्य दिया है, जिस प्रकार राम ने लक्ष्मण सीता मैया की रक्षा की है, चौकीदारी कर रक्षा की है, उसी प्रकार जिस डाली पर कांटे होते हैं उन कांटों ने भी मेरी जो है तो उस लक्ष्मण जैसी रक्षा की है, मेरी जान बचाई है, और उन कांटों का ही मुझ पर इस वजह से उन कांटों का ही मुझ पर पहला हक बनता है, वही जो है वह मैं उन्हें हक देता हूँ कि चाहे वो मुझे जो है तो नोच ले, यानी कि तोड़ दे, मरोड़ दे, या उखाड़ कर मुझे फेंक। और इतना ही नहीं, जिस माली से मेरी पंखुड़ियों से जो रिश्ता बना होता है, उसका अर्थ पंखुड़िया का अर्थ है फूलों के जो छोटे छोटे जो पत्तियां होती है उनको कहा गया है, वो मुझ पर मंडराती है। इसका अर्थ ये है कि जो देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, और मंडराना का मतलब है कि देखने के लिए आना, क्योंकि कोई चीज हम अगर खरीदी करते हैं तो उसको देखते हैं और यहाँ वहां देखते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो ही आप उसको खरीदते हो। उसी तरीके से वह फूल भी कहता है कि मुझे देखने के लिए आए हुए लोगों, वह जो है तो मुझे खरीदने वाले, और इतना ही नहीं, मेरा खरीदने के लिए मोल भाव करने वाले, और मेरा जो और वो जो मोल भाव करने वाले हैं वो सुन ले कि मेरा जो संस्कार है, जो संस्कार मैंने बना लिया है, जो मैंने उसकी कसम खा ली है, सौगंध ले ली है कि मैं जो है तो मैं अपने आप को नहीं बेचूंगा, मैं मेरी गंध नहीं बेचूंगा, यानी कि मेरा स्वाभिमान मैं नहीं बेचूंगा। और इस तरीके से यह फूल ने कहा है कि मैं कभी मेरी गंध नहीं बेचूंगा, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा।